दादी साथी किचन से और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ पनीर पकौड़ों की रेसिपी और इसके साथ बनाएंगे हम चटपटी चटनी। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और पनीर के पकौड़े बहुत ही फटाफट से बन जाते हैं, साथ ही बहुत ज्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन्हें बनाना। तो पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे बैटर। तो एक कप बेसन ले रहे हैं यहाँ पे और अब हम डालेंगे इसके अंदर 2 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा इन्हें क्रिस्पी बनाएगा। और अब डाल देंगे 1 पिंच हींग। जब हम बैटर में हींग डालते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। नमक डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब। और अब हम डालेंगे इसके अंदर अदरक कद्दूकस की हुई, तो 1/2 चम्मच के करीब अदरक डाल रहे हैं हम यहाँ पे। बारीक कटी हरी मिर्च और इसके साथ में हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। और अब हम डाल रहे हैं यहाँ पे बारीक कटा हरा धनिया। बहुत ही टेस्टी बनाता है ये इस बैटर को। थोड़ा सा अजवाइन, बिल्कुल 1/4 चम्मच जितना अजवाइन डाल रहे हैं हम यहाँ पे। मिक्स करना है। पानी डालने से पहले अगर हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हैं तो वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो हमने एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। जब भी बैटर बनाएं पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें तो उस बैटर में लम्स नहीं पड़ते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद में मिक्स करते जाना है। ये देखिए हम पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं। हमें जो बैटर है वो थिक ही बनाना है, बहुत लूज नहीं बनाना है, क्योंकि हम बना रहे हैं पनीर के पकोड़े। तो ज़रूरी है कि वो बैटर अच्छे से कोट हो जाए पनीर पर। तो इसके लिए हमें बैटर लूज़ नहीं बनाना है। आप देख सकते हैं अच्छा सा गाढ़ा है हमारा बैटर, ये देखिए। बस ऐसा ही बैटर हमें तैयार करना है और इस बैटर को तैयार करने में हमें 1/2 कप पानी लगा है। तो बैटर को कर देंगे हम साइड में और अब करते हैं पनीर की कटिंग। तो ये देखिए हमने लिया है यहाँ पे 250 ग्राम पनीर और इस तरह से उसे स्लाइसेस में कट कर देंगे। पहले हम इसे बड़ी बड़ी स्लाइस में कट करेंगे और फिर हम उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बड़ी स्लाइस में कट कर दिया है और उसे हम इस तरह से बीच में कट कर रहे हैं, ये देखिए। पनीर पकौड़ा बनाने के लिए हमें जो पनीर है वो इस साइज़ में ही कट करना है। ये बिल्कुल ड्राई भी है पनीर, तो निकाल लेते हैं इन्हें एक बॉल में। आज हम जो पनीर पकौड़े हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल में बना रहे हैं। तो हम मिलाएंगे इसमें कुछ ऐसे मसाले जो कि इन्हें बनाएगा सुपर टेस्टी। तो यहाँ हम डाल रहे हैं इसके ऊपर थोड़ा सा नमक और इसके बाद में हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच। आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब डालेंगे इसके ऊपर चाट मसाला, तो 1/2 चम्मच के करीब हम यहाँ पे चाट मसाले का यूज़ कर देंगे और इसे टॉस करते हुए मिक्स कर देंगे। पनीर पर जब हम ये मसाले पहले से ही कोट करते हैं तो पनीर बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए पनीर पर मसाले लग के तैयार हो चुके हैं और अब हम बनाएंगे पनीर पकौड़ों के साथ खाने के लिए चटनी। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं चटनी का जार और डाल रहे हैं उसमें हरा धनिया। अब हम डालेंगे 2 हरी मिर्च जिसे हमने कट कर लिया है और बीज निकाल दिए हैं, 5 से 6 लहसुन की कुली और इसके साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे भी हमने अच्छे से कट कर लिया है। और इसके साथ में डाल रहे हैं सिकी हुई मूंगफली 1/4 कप। बहुत अच्छा टेस्ट देती है ये चटनी को। अब डाल देंगे इसमें नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें 1/4 चम्मच जीरा। और खटाई के लिए हम डाल रहे हैं नींबू का रस, 1/2 नींबू का रस निकाल के डाल रहे हैं इसमें।
थोड़ा सा पानी डालेंगे और कवर करके इसे ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा नहीं डालना है, हमें चटनी बहुत रनी नहीं चाहिए, थोड़ी सी थिक ही चाहिए। तो ये देखिए चटनी हमारी बनके तैयार है, ये आप देख सकते हैं गाढ़ी है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है इसको हमने। तो निकाल लेते हैं इसे बाहर। आप भी जब पनीर के पकौड़े बनाएं तो उसके साथ में ये चटनी ज़रूर बनाएं, बहुत टेस्टी लगती है ये। चटनी हमारी बनके तैयार है, बैटर को चेक कर लेते हैं। डाल रहे हैं 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, मिक्स कर देंगे हल्के हाथों से ही। बेकिंग सोडा का यूज़ करने से जो पकौड़े हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लफी बनेंगे। तो एक बार हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम डालेंगे इसके अंदर पनीर की स्लाइस। तो ये देखिए एक बार में हम 4 से 5 स्लाइस इसके अंदर डाल रहे हैं और उसे चम्मच या फोक की मदद से इस तरह से टर्न करना है हमें। ये देखिए इस तरह से टर्न कर देंगे ताकि जो बैटर है वो अच्छे से लग जाए इसके ऊपर। तो अच्छे से पनीर पर बैटर लगा दिया है और तेल भी हमारा गरम हो रहा है। आप देख सकते हैं पकौड़ों को फ्राई करने के लिए हमने बहुत तेल का यूज़ नहीं किया है, बहुत कम तेल में ही अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। इस तरह से स्पून से या फोक से एक एक करके हम डाल देंगे तेल में, बहुत जल्दी बन जाते हैं। और अब हम एक बार तेल अच्छा गर्म होने के बाद में हम गैस के फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और इस तरह से स्पून से ये देखिए हल्के हल्के से तेल डालना है इसके ऊपर। अच्छे से फूल जाते हैं इस तरह से तेल डालने से। और 1-2 मिनट हो चुके हैं, टर्न कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से ही टर्न करना है इन्हें। सर्दियों में गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो चटनी हो या सॉस हो, दोनों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। धीमी धीमी आंच पर हम इन्हें क्रिस्पी होने देंगे और अब हम झारी डाल के इन्हें पलट रहे हैं। ये देखिए एक बार इस तरह से हम फिर से पलट रहे हैं इन्हें, अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और काफी क्रिस्पी भी हो गए हैं ये। निकाल लेंगे अब इन्हें बाहर हम। झारी में डाल के हल्का सा तेल निकलने देंगे और फिर इस तरह से निकाल लेंगे हम बाहर। आप देख सकते हैं गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े तैयार हैं। और अब मैं बता रही हूँ आपको एक और तरीका जिस तरह से हम पनीर के पकौड़े बना सकते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया है पनीर और साथ में ले ली है चटनी। एक पनीर का स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा कट लगा देंगे हम नाइफ से। पनीर के पकौड़े हल्के से तीखे हो तो और अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए नाइफ से कट लगा दिया है, पूरा कट नहीं लगाया है। और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी चटनी। ये देखिए इस तरह से इसे स्टफ करेंगे हम चटनी डाल के। इससे ये पकौड़े हैं वो बहुत टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिए अच्छे से चटनी को डाल दिया है हमने और इस तरह से पनीर की स्लाइस में चटनी भर के हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए कट लगाना है और उसके अंदर स्टफ करना है चटनी को, बहुत जल्दी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन ये पकौड़े बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप देख सकते हैं 4 से 5 स्लाइस हमने फिर से तैयार कर ली है चटनी डाल के और इन स्लाइस को हम डाल देंगे बैटर में। वही प्रोसेस वापस करना है, हल्का सा एक बार डालने के बाद में टर्न कर लेना है इन्हें ताकि अच्छे से बैटर कोट हो जाए पनीर के ऊपर। ये देखिए इन्हें इस तरह से वापस टर्न कर लेंगे, बहुत जल्दी से हो जाता है और बस फटाफट से डालना है तेल के अंदर। तो आप देख सकते हैं 2 तरीके से बताए हैं मैंने पनीर के पकौड़े बनाना, बहुत फटाफट से बन जाते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। ये देखिए बस 1-2 मिनट अच्छे से पकाना है और फिर इन्हें टर्न कर लेना है।
सर्दियों में पकोड़े खाना सभी को बहुत पसंद है और ऐसे में अगर पनीर के पकोड़े बन जाए तो क्या कहने हैं। तो ये देखिए अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, निकाल लेंगे इन्हें भी बाहर। बहुत कम तेल में बनके तैयार हो जाते हैं और पनीर के पकोड़े हैं तो हेल्दी भी हैं। तो चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग। चटनी के साथ, प्याज के साथ और हल्का सा एक नींबू का स्लाइस भी ले लेंगे हम। बहुत टेस्टी लगते हैं ये पकौड़े और इसे हम सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही फटाफट से और क्रिस्पी पनीर पकौड़ा बनके तैयार है। एक पकौड़ा मैं आपको कट करके बता रही हूँ। ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है, ये देख सकते हैं आप। अच्छे से चटनी भी स्टफ हो चुकी है इसके अंदर। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।